नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। यूं तो लगभग देश के सभी राज्यों की पुलिसिया व्यवस्था लगभग अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, लेकिन बिहार में तथा कथित सुशासन बाबू का तमगा पाने वाले नीतीश कुमार की सरकार में आम जनमानस तो दूर, स्वयं पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है। अब पुलिस वालों की जान भी चंद गुंडों के हाथों में है। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है सूबे के छपरा जिले से, जहां अपराधियों ने सरेआम एक दरोगा और सिपाही की हत्या कर दी, जिसके बाद आम जनता में डर का माहौल घर कर गया है। बता दें, बिहार में छपरा के मढ़ौरा में मंगलवार को अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मढ़ौरा में मुख्य बाजार स्थित बस स्टैंड के पास मंगलवार की देर शाम एसआईटी पुलिस की गाड़ी पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी, जिसमें एसआईटी टीम के दरोगा मिथिलेश कुमार और सिपाही मोहम्मद अफरोज की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे जख्मी हवलदार रजनीश कुमार को जख्मी हालत में मढ़ौरा के रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल वो सुरक्षित हैं। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने कई बार विभिन्न मंचों से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डींगे हाँकते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ जमीन की सच्चाई कुछ और ही है। आए दिन राज्य में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, और कई बार तो पुलिस अधिकारी खुद अपराधियों का बचाव करते भी नजर आते हैं, और पुलिस के जवान ही अपराधियों के निशाने पर आ गए हैं। अब ये ऐसा हो गया है, ऐसे में जरूरत है कि पुलिस अधिकारी अपने स्वाभिमान को जिंदा रखें और तथाकथित राजनेताओं के हाथ की कठपुतली ना बने। सूबे में पुलिस को अपनी फौलादी शक्ति दिखानी होगी, ताकि अपराधियों को दिन में तारे दिखाए जा सकें और उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और हाँ, अगर पुलिसिया कार्रवाई में अपराधियों के मारे जाने के बाद जब उनके मानवाधिकार की बात करने वाले आए, तो ऐसे ढोंगियों से भी सख्ती से निपटा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।